जय जय श्री राम। इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसकी स्थापना राम मंदिर में होगी। वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी हम आ चुके हैं राम मंदिर की मूर्ति कार्यशाला जो कि NH-27 के समीप ही स्थापित है। जो भी मूर्तियां अभी राम मंदिर में लगने वाली हैं वो सारी मूर्तियां यहीं पर ही बनाई जा रही हैं, और जो शिवलिंग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से आई हुई है वो भी अस्थायी रूप से अभी यहीं पर स्थापित है। तो अगर आप सभी को दर्शन करना हो तो आप राम मंदिर की मूर्ति कार्यशाला में आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर के इस मूर्ति कार्यशाला में रामायण के सभी पात्रों की मूर्तियाँ भी बनाई जा रही हैं। तो अगर आप अभी आते हैं अयोध्या तो आपको अगर मूर्तियों के दर्शन करने हैं तो आप राम मंदिर की मूर्ति कार्यशाला में आ सकते हैं। काफ़ी टूरिस्ट और श्रद्धालु लोग जो कि राम मंदिर में लगने वाली मूर्तियों के दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग जो कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से अयोध्या आई हुई है, जिस इस शिवलिंग की स्थापना राम मंदिर में होगी आने वाले समय में। इस शिवलिंग के बारे में बताएं आपको तो इस शिवलिंग को नर्मदा नदी में से प्राप्त किया गया है और इस शिवलिंग की स्थापना राम मंदिर में होगी। और इस शिवलिंग अयोध्या में इस शिवलिंग को अवधेश्वर शिवलिंग के नाम से भी पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। और सामने देख सकते हैं इस शिवलिंग की अस्थायी रूप से अभी स्थापना राम मंदिर की मूर्ति कार्यशाला में हुई है। जो भी श्रद्धालुगण दर्शन करना चाहते हैं आप सभी राम मंदिर की मूर्ति कार्यशाला में आके अवधेश्वर शिवलिंग की दर्शन कर सकते हैं। और सामने देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालुगण आके दर्शन भी कर रहे हैं, और अभी तो आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं आके। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी अयोध्या से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी। जय जय श्री राम।